हरियाणा में 2005 में हुए सिविल सर्विस भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच जारी है। इसी मामले को लेकर अब विजिलेंस टीम हाईकोर्ट पहुंची है और कोर्ट से उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए मूल आंसर की मांगी गई है। अब विजिलेंस की इस अर्जी पर जल्द ही कोर्ट सुनवाई करेगा। रिपोर्ट देखिए। बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक अदद नौकरी के लिए गांव से शहरों में जाकर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ढेरों किताबें पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भर्तियों में गड़बड़ी युवाओं के हौसलों को तोड़ रही है, आत्मविश्वास को कम कर रही है। हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि एचसीएस भर्ती 2005 में हुए घोटाले की जांच विजिलेंस की टीम कर रही है। विजिलेंस की टीम इसी मसले को लेकर अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुँची है और उत्तर पुस्तिकाओं की फॉरेंसिक जांच के लिए मूल आंसर की उपलब्ध करवाने की मांग की है। विजिलेंस ने हाईकोर्ट में कहा है कि मूल उत्तर पुस्तिका की फॉरेंसिक जांच की जरूरत है। विजिलेंस ने चयनित 35 अधिकारियों की आंसर की मांगी है। 35 अभ्यर्थियों की 54 मूल आंसर की मांगी गई है। विजिलेंस इन आंसर की फॉरेंसिक जांच करवाएगी, आंसर की में कांट छांट भी की जाएगी, जोड़ना घटाना स्याही आदि की जांच भी की जाएगी। अर्जी में विजिलेंस ने विश्वास दिलाया कि उत्तर पुस्तिकाओं की लैब में जांच के बाद वापस सुपुर्द करवा दिया जाएगा। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि साल 2009 में भी विजिलेंस ने अभ्यर्थियों की आंसर की मांगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जांच के लिए विजिलेंस को उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी उपलब्ध करवाई थी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट।